हेलो स्टूडेंट्स, आज के छोटे से वीडियो में हम लोग एलसेट के बारे में कुछ डिस्कशंस कर लेते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। ये एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम है किसी भी लॉ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, स्पेशली यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर कुछ और कंट्रीज में। इसको लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल LSAC ऑर्गेनाइज करवाता है। एलसेट भी दो टाइप के होते हैं, एलसेट इंडिया और एलसेट एब्रॉड। इसमें मैंने एलसेट इंडिया और एलसेट एब्रॉड उसका थोड़ा कंपैरिजन कर दिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करें तो एलसेट इंडिया ऑफलाइन मोड में होता है और एलसेट एब्रॉड ऑनलाइन मोड में होता है। इसी टाइप के बाकी कंपैरिजन भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। एलसेट इंडिया का ये एग्जाम पैटर्न है, जिसमें टोटल चार सेक्शंस होते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग 1, लॉजिकल रीजनिंग 2 और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और बाकी डिटेल्स भी आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। एलसेट एब्रॉड में 6 सेक्शंस होते हैं, और ये डिफरेंट सेक्शंस और उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और क्या टाइम लिमिट होती है, ये सारी डिटेल्स आपको इस स्लाइड में मिल जाएंगी। और यहाँ पे एलसेट इंडिया की मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन कर रखी हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया एलसेट के बारे में लग गया होगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।